गुड इवनिंग फ्रेंड्स फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड की सीन वादियों से एक और खूबसूरत से दिन का सनसेट थोड़ी देर बाद होने वाला है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये देखिए मैं हूँ अभी सिरसोली में। ये वाली रोड है केदारनाथ इस वाली तरफ और इस वाली तरफ बद्रीनाथ चोपता तुंगनाथ ये वाली रोड। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा यहाँ से पाइडी बाइकर आलोक भाई का और प्रीति राणा जी का गांव कितना दूर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पहाड़ी कल्चर और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के लिए। तो चलिए देखते रहिए पूरी वीडियो को। मैं हूँ अभी सिरसोली में। सिरसोली यानी कि अगर आप चोपता यहाँ पीछे चोपता वैली तुंगनाथ की तरफ आते हो तो चोपता और उक्कीमठ के बीच में आता है सिरसोली। सिरसोली में होता है एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल। जो भी यात्री चोपता जाते हैं तुंगनाथ महादेव तो इस वाटरफॉल में एक बार जरूर रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल। अभी आजकल तो बारिश कम हो गई है, आजकल वाटरफॉल इतना ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ से और पहाड़ी बाइकर आलोक भाई का गांव 16 किलोमीटर है। उक्कीमठ है यहाँ से 6 किलोमीटर और उक्कीमठ से गिरिया गांव है 10 किलोमीटर। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था और आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से और गिरिया गांव। उक्कीमठ से तो कम ही रहेगा क्योंकि यहाँ से उक्कीमठ 6 किलोमीटर है। तो बहुत ही नज़दीक हूँ मैं पहाड़ी बाइकर आलोक राणा भाई के गांव के आसपास ही हूँ मैं लगभग। तो देखते हैं टाइम मिला तो ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है उक्कीमठ मार्केट ही में मिल जाए। और ये पीछे देखिए ये है मको गांव। मको गांव यानी आजकल बाबा तुंगनाथ महादेव के कपाट हो चुके हैं बंद और जो डोली आई है वो अभी इधर ही है मको गांव में। तो मेरी तरह आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे मिलना चाहते होंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए पहाड़ी कल्चर और ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय।